गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी, हम नहा धो के तैयार हो गए हैं। चोटी नहीं बनाई मैंने अभी, क्योंकि चोटी बनाने में उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इतना टाइम होता नहीं है कि छोटा चाटी बनाऊँ मैं। छोटा चाटी मम्मी की बात तो याद आ गई। मेरी मम्मी भी ऐसे ही बोलती है कि छोटा चाटी बना ले। मैं अपने मायके में चोटी इतनी जल्दी नहीं बनाती हूँ, तो ऐसे ही रहती हूँ, कौन देख रहा है। तो मम्मी कहेगी छोटा चाटी बना ले, क्यों बालों को खराब कर दिया है। तो बस मैं तो हो गई हूँ रेडी। अभी मैं बच्चों को उठाऊंगी, फिर उनको थोड़ा तैयार करूंगी। यही सोचती हूँ यार, रोज क्या नया व्लॉग लेके आऊँ, क्या कोई टाइटल। मतलब सब कुछ सोचने में ना मुझे बहुत टाइम लग जाता है। रात को ये सोचना पड़ता है कि मैं क्या बनाऊँ। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है कि क्या बनाना है, लेकिन हाँ, भगवान जी मेरे साथ हैं, आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है। टाइटल वीडियो अपने आप ही बन जाती है और चल जाती है। आप लोग व्लॉग में बने रहना, अभी मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ। आज बच्चों के लंच बॉक्स में मैं ये हल्दीराम के पिलोज रखूंगी, चॉकलेट फ्लेवर रखा तो है। मुंह देखो, लंच के नाम पे कैसा हो गया है तेरा। खाए पे पर जाता किधर है? है मैं तो सुबह सुबह बाबू के साथ प्रैंक हो गया है कि लंच बॉक्स ही नहीं रखा मामा ने फर्स्ट चैन में। तुम्हारा भी ये फर्स्ट चैन में टिन लूसी वाली में। खोल के देखो। ये क्या चीज़ खा के देखो एक बार। अच्छा ये कुकीज है। यहीं पे मत खाओ सारा, अब रख दो इसको, लेके जाओ। अच्छा लगा? अच्छा, रोज 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 की चीजें नहीं होती है। चलो बोतल रखो और चलते हैं अभी स्कूल। मीठी मीठी कुकीज खा के मेरा भी अच्छा जाएगा, और मैं अपनी फ्रेंड लोगों को भी इतनी भी नहीं है कि तुम फ्रेंड लोगों को खिलाओ, पहले खुद खाना फिर शेयरिंग करना। ठीक है बाबू, तुम करेगा शेयरिंग? हाँ करूँगा। करूंगा? नियत तो तुम्हारी नहीं लग रही मुझे तुम्हारा वो थोड़ा सा ही करेगा। ही हो जाए पहले पूरा काम। नहीं, इतु सा ही करेगा बस। अरे भाई चलो अब स्कूल के लिए चलते हैं। बाय फ्रेंड, अभी हम स्कूल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारा पेपर तुम्हारा आज का दिन बहुत अच्छा जाए। ठीक है, बच्चे मुझसे भी आगे आगे चलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एग्ज़ाम टाइम में। फ्रेंड यहाँ पे हम स्कूल पहुँच गए हैं। फिर मैंने फटाफट से दोनों बच्चों को उनकी क्लास में छोड़ा, बाय किया। बच्चों को मैंने ये टेस्ट बनाया है, बच्चे स्कूल से आ भी गए हैं तो मैंने उनको ना खाना पीना खिला के फिर उनको ये टेस्ट करने के लिए दे दिया है। मैंने वो भी क्लिप बनाई थी पर वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई है। मतलब गैलरी में तो रहती है लेकिन शो नहीं होती है। मैंने एक बार आपसे पहले भी पूछा था। तो प्रयाग का तो मैथ का है जी पेपर, और ऋषिका का है EVS का। तो तैयारी देखते हैं, अपनी तरफ से तो ठीक ठाक ही चल रही है, आगे रिजल्ट ही बताएगा। बड़ी टेंशन रहती है सही में, अभी 2-3 पेपर और रह रहे हैं तब जाके थोड़ी शांति आएगी। डेली रूटीन में भी बच्चे पढ़ते हैं लेकिन वो जो एग्ज़ाम टाइम में लोड हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। ऋषिका और प्रिया का दोनों का ही फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही है, तो मैथ में उनको कोई भी प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है। थोड़ी बहुत होती है तो वो कर लेते हैं कवर। फटाक फटाक से लगा हुआ है प्रयाग अपना पेपर करने के लिए। इन लोगों को जैसा भी कंफर्टेबल होता है ना, वो उसी तरीके से कर लेते हैं। थोड़ा लेट के बैठ के जैसा ये कर सकते हैं वैसा कर लेते हैं। स्कूल में तो बेचारे बैठे ही रहते हैं तो स्कूल जितना फॉलो नहीं करती हूँ मैं घर पे। ऋषिका भी लगी हुई है अपना होमवर्क करने के लिए। ऋषिका कम बैठती है, वो थोड़ा लेट कर ही लिखना ज़्यादा पसंद करती है। तो बच्चों ने यहाँ पे पेपर कर लिया है तो अभी मैं चेक कर रही थी। और बच्चों को ना एक ये भी है कि जब भी मैं टेस्ट लेती हूँ ना तो कहते हैं मम्मा आप चेक करो ना तो हमें नंबर भी देना। मैं ये काउंट नहीं करती हूँ कि मैं कितना क्या दे रही हूँ, लेकिन मैं अंदाजे से ऐसे ही नंबर दे देती हूँ। और आप देख ही पा रहे हो कि प्रयाग ने कितने अच्छे से अपना मैथ का पेपर जो है वो फिनिश किया है। एक दो छोटी मोटी मिस्टेक थी, प्रयाग ने अपने नंबर देखे और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, खुशी के मारे नाचने लग गया। फिर आई बारी ऋषिका की, तो ऋषिका का भी मैंने टेस्ट चेक किया। ऋषिका की राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है इंग्लिश में, और वो बहुत ही मतलब क्लियर क्लियर लिखती है। हाँ एक दो गलती हो जाती है तो वो बच्चा है, कोई बात नहीं, वो तो हम सुधार ही लेंगे। लेकिन बच्चा इतना अच्छा भी कर रहा है तो ये भी एक अपने आप में ना बहुत बड़ी बात है। ऋषिका पे मुझे थोड़ा सा गुस्सा इसलिए है कि उसने एक दो क्वेश्चन लिखे ही नहीं, बोली कि मुझे दिखे ही नहीं है, मतलब एक्सक्यूज से देने लगी।
फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा ये तो घर पे है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर यही आप स्कूल में गलती करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। टीचर तो नहीं बोलेगी ना कि बेटा ये छोड़ दिया तो ये कर लो। ऋषिका ने सॉरी कहा और बोला कि मम्मा मैं ध्यान रखूंगी, तो वो फिर से रिवीजन करने लग गई। रियान का काफ़ी अच्छा रहा, उसने सारे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ऋषिका का दो चार थोड़ा सा हो गया है गलत। तो कोई नहीं, उसकी भी अभी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कराएंगे, वो अभी भी नाच ही रहा है। और ऋषिका यहाँ पे पढ़ने बैठ गई है, इसको मैच करो और फिर अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछो, ठीक है? एक दो हो जाता है, लेकिन उसको अच्छे से याद करो स्पेलिंग से पूरा। मतलब सर में भी ना बड़ा हेडक सा होने लग जाता है, ऐसा भारी भारी सर हो जाता है मेरा। लेकिन कोई नहीं, अभी थोड़ा सा और करना पड़ेगा, ऐसा नहीं भी एक बच्चे ने कर लिया, मेरे लिए दोनों ही इक्वल है, तो दोनों को ही मुझे बराबरी से ही पूरा तैयारी करानी है। प्रयाग का ठीक था क्योंकि मैथ है, इसका मैथ मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ये मैथ में बड़ा इजी इजी भी है ना, तो ये जल्दी आसानी से कर लेता है। मैथ इसका फेवरेट है, ऋषिका का भी मैथ फेवरेट है, तो इसने भी अपना मैथ में मतलब कल कोई मिस्टेक नहीं किया था। क्यों घूम रहे हो? लेकिन थोड़ा ईवीएस है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आया तो बोलना, देखते हैं अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, फिर हम एक बार और लिख के देखेंगे, ठीक है? लिखने से ना बस सुन लूंगी, चाहिए जो जो गलत है वो लिख मार के देखूंगी, क्योंकि लिखने से ना तो ये थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है, हमें भी ये पता चल जाता है कि हमारा बच्चा क्या कर पा रहा है क्या नहीं कर पा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सुना पाता है लेकिन लिख नहीं पाता, तो वो ना हमको दोनों ही करना चाहिए। ऑर्डिनल नंबर सुनूंगी मैं, ठीक है? तो फर्स्ट हम करते हैं काउंटिंग में से, 12th को कैसे लिखा जाएगा? 12th को 12 बनाना है, फिर TH। तो 12 को भी लिखना ही होता है, वो बनाना क्या होता है? 8 को 8 लिखना है, फिर TH। थर्ड को 3 लिखना है, फिर TH। थर्ड RD। फर्स्ट को फर्स्ट 1ST फर्स्ट। सेकंड को 2ND। गुड, अब मैं वीक में से सुनूंगी, ठीक है? ट्यूसडे ट्यूसडे कौन से नंबर पे आता है? थर्ड डे। गुड, संडे फर्स्ट डे, सैटरडे सेवेंथ डे। गुड, फ्राइडे सिक्स्थ डे। नंबर नेम सुनाना, ठीक है? नंबर नेम 68। भाई देख भी सकते हो, कोई भी कॉपी यहाँ पे ना खुल भी नहीं रही है। ऋषिका अपना इधर पढ़ रही है और प्रिया के आसपास कोई कॉपी नहीं है, वो अपने आप से सुना रहा है ये चीज़ें। तो अभी आ गई मैं किचन से और सोच रही थी कि सेब का क्या बनाऊँ, तो चलिए देखते हैं। तो आज ना मैं सेब की बना रही हूँ खट्टी मीठी सी चटनी। इसकी पूरी रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पे है कुकिंग वाले पे, तो आप वहां से देख सकते हो। ट्रस्ट मी फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी चटनी बनी थी। दो छोटे बच्चों के साथ में दो चैनल को साथ में लेके चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का ये प्यार देखकर मेरे को हिम्मत मिलती है। बस अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो फ्रेंड, सेब की ये खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई है। मैं इसको टेस्ट कर रही थी तो ना मुझे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी। फिर मैंने सोचा कि चलो ब्रेड रखे हुए हैं तो थोड़ा सा ब्रेड के साथ में इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो मैंने ब्रेड के स्लाइस पे लगा दिया थोड़ा सा ना, फिर इसको मैं तवे पे सेक लूँगी। जैसे मार्केट की फ्रूट जैम होती है ना, उसी तरीके का कुछ था, लेकिन मैंने ना थोड़े से मसाले डाले थे तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा था। नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा बना के इसको स्टोर करके रखूँगी। तो सैंडविच यहाँ पे बन के तैयार हो गए, मैं अभी बच्चों को दे रही थी, तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और एक जना पढ़ रहा था। तो कुछ भी खाने से पहले ये दोनों हाथ धोते हैं, फिर ये अपने सैंडविच खाने लग गए। दोनों ही बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे ये। तो जी बच्चों को तो काफ़ी पसंद आई है सैंडविच, तो अभी मैं भी ट्राई करके देखती कैसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, अगर सॉस आपकी अच्छे से बन गई ना तो बस यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मैंने मार्केट से नहीं लाया।
गुलाब की मेरी जैनी आपकी तो है जैम, ये हमने घर पे बनाई खाएंगे तो मैंने ऐसे ब्रेड के अंदर डाल के खाना तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। सारी वीडियो एप्पल की चटनी की आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से देख लेना। हम तो भैया फटाफट से खा लेते हैं क्योंकि मन नहीं मान रहा। बच्चों को खिला पिला के फिर से मैंने वही रिवीजन कराने लग गई थी, जो भी मिस्टेक था ना उसका मैंने अलग से फिर से टेस्ट बनाया है छोटा सा, तो ये मैंने ऋषिका को दे दिया करने के लिए। प्रिया की वैसे तो कोई गलती नहीं थी लेकिन वो फिर भी अपनी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर रहा था। उसके बाद मैं ऋषिका से एक दो क्वेश्चन सुन रही थी तो उसने काफ़ी अच्छे से आंसर दिया। सो फ्रेंड बस आज का व्लॉग इतना ही, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स टू वॉचिंग।